नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में फिर से आपसे ले आए हैं पांच नए बिजनेस आइडिया, जिसमें बिजनेस कैसे शुरू करना है, रॉ मटेरियल कहाँ से लेना है, पैकेजिंग क्या करनी है, सब चीजें आपको पूरा डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे। सो मेक श्योर वीडियो पूरा देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी ही वीडियोज आपको आने वाले दिनों में भी मिलती रहेंगी। सो छोटी सी अपडेट होती है, चार से पांच बिजनेस आइडियाज है जो हम आज की वीडियो में भी शेयर करेंगे। सो बिजनेस आइडियाज वीडियो नंबर 13 का फर्स्ट बिजनेस आइडिया है कुरकुरे चाट का। आज की डेट में लोगों को, क्योंकि गर्मी बहुत है, तो कुछ मसालेदार चटाकेदार बोल सकते हो आप, तो वैसी चीजें खाने बहुत पसंद है लोगों को। तो उस चीज में आज की डेट में हम लेके आए कुरकुरे चाट। इसमें बहुत सारी चीजें आप कुरकुरे के साथ, लेज के साथ, और भी जो मार्केट में चिप्स वगैरह आते हैं उनके साथ आप कर सकते हो। अभी इसमें करना क्या है, क्योंकि लोग जो है नॉर्मल जो फ्रूट चाट होती है ना, कई बार वो खाने में थोड़ा सा चलते हैं कि यार फ्रूट खराब करता है, जब फ्रूट ना खराब, बहुत सारी चीजें। तो इसमें बहुत कम मटेरियल और कुछ नया, सो कुरकुरे आपको लोकल मिल जाएंगे। जो रॉ मटेरियल इसमें, जो मसाले हैं, जो भुजिया वगैरह है, टमाटर, ये सारी स्टफिंग आपको लोकल मार्केट से मिल जाएगी। इजीली आप इसको अच्छे प्राइस पे सेल कर सकते हो। अभी इसमें जो बेस्ट पार्ट है वो क्या करना है, उसमें आप देखो, आपको जो बाउल्स है या जो वुडन स्पून है, इन चीज़ों का यूज करना है, ताकि उनको थोड़ी सी ये चीज़ प्रीमियम लगे। सेल आपको वही 40-50 रुपीज में करनी है, जिसमें शायद 5 रुपए का कुरकुरे और थोड़ी सी ये सारी स्टफिंग भी डालो ना, तो आपको एक जो प्लेट है 10-12-15 रुपए के आसपास की पड़ेगी, और आप इजिली इनको 40 या 50 रुपीज में सेल कर सकते हो। और इसके अलावा जो और एक चीज करनी है आपको, जो कुरकुरे की पैकिंग है वो वाली के लिए नहीं, एक आपको अलग से जो प्लेन पैकिंग है, जो प्लेन पाउच है, उनको लेके उनमें आपको सारे मसालेदार जो स्टफिंग होती है, जैसे मार्केट से हम बेलपूरी टाइप की पैकिंग लेती है, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है जी। और जो डिजाइनिंग है वो प्रिंटिंग हाउस से करवा सकते हो। और आपको जो है बेसिकली जो जोमेटो है, जो स्विगी है, आपको यहाँ पे स्टॉल भी नहीं लगाना, तो वो टाइम भी आपको सेव हो रहा है। तो आपको यहाँ पे क्लाउड, एज ए क्लाउड किचन जो है काम करना है। तो आपको कोई, जो लोग कहते हैं ना, जैसे कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में हर बार बोलता हूँ कि कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता, अगर कुछ करना चाहते हो, अगर तो यार 10-12-15 हज़ार 20 हज़ार 50 हज़ार की सैलरी में खुश हो, तो भाई किसी के अंडर काम करना चाहते हो तो कर लो। लेकिन चाहते हो कि यार पैसा भी अच्छा बने और एक फेम भी बने और सेटिस्फेक्शन हो कि हाँ यार खुद का बिजनेस है, हम किसी के नौकर नहीं है, एक सिंपल सी बात करें तो आप इस चीज के बेस पे अपना खुद का काम कर सकते हो। आपको फ्रंट फेस पे आने की जरूरत नहीं, आप इजिली क्लाउड किचन के बेस पे आप कर सकते हो। और महीने का इजिली जोमेटो जैसी साइट्स पे आप इसको 99-49 जो भी आपके प्राइजेस होंगे उसके अकॉर्डिंग आप सेल कर सकते हो। इसमें तीन चार वैरायटीज दे सकते हो, और यहाँ पे आपकी सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट 8 से 10 हज़ार रुपये की, और महीने का इजीली, क्योंकि यहाँ पे आपको कस्टमर का वेट नहीं करना। जोमेटो पे जब मार्केटिंग होती है या जो होटल्स है जब सामने आते हैं, जोमेटो खुद से इन चीज़ों को प्रमोट करता है। जोमेटो, स्विगी जैसी एप्लीकेशन, बिग बास्केट जैसी एप्लीकेशन, इन चीज़ों को प्रमोट करते हो, इजिली आपका बिजनेस, आपको सामने से कस्टमर खुद से आएंगे। और आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कुछ अलग, कुछ नया फ्लेवर, इन चीज़ों के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, और जो है आपको काम उस पर करते रहना है। नेक्स्ट बिजनेस आइडिया की बात करें तो जी, वो है अपना टेम्पर्ड ग्लास का बिजनेस। अभी यहाँ पे एक चीज़ आपको बताता हूँ, और यहाँ पे मार्जिन आप सोच नहीं सकते, रेंज से बाहर है। मैं जिस मार्केट में बैठा हूँ, मोबाइल मार्केट है यहाँ पे, ठीक है जी, मेरे नियर पे बहुत मोबाइल की शॉप है। नॉर्मली अगर आप, चलो मोबाइल मार्केट की बात छोड़ दें, आप सिंपल से एक बात समझो कि आपको जो मार्केट में टेम्पर्ड ग्लास लगवाने जाते हो, क्या कॉस्ट करता है, 60 रुपीज, 80 रुपीज, कोई 100 रुपये ले रहा है, कोई 200-300 रुपये। जिसके पास आईफोन होता है उसको तो बिना बात पे चिपका दिया जाता है कि हाँ यार 60 हज़ार का या 1 लाख रुपए का फोन पकड़ रहा है, 200 नहीं लगा सकता, जबकि उसको ये ग्लास खुद को 20 या 30 रुपये या 10 रुपये का कॉस्ट करता है। लेकिन इसमें हमको करना क्या है, जो मार्केट से ग्लास आते हैं, जैसे दिल्ली जैसी सिटी में बोलो, तो दिल्ली से लोग आगे जो छोटे दुकानदार है वो माल खरीदते हैं, तो उनको 20-50-100 रुपये का पड़ता है, तो वो 200 रुपये इजिली आपको चिपका देते हैं और लास्ट में हमको भरने पड़ते हैं। लेकिन इसमें यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपको एक मशीन लगानी है अपने शहर में, अपने घर पे मशीन लगा सकते हो, दुकानदार से कॉन्टेक्ट करने के, बेस्ट बिजनेस आइडिया। अगर बात करूँ, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी आपको कॉस्टली पड़ती है, लेकिन अगर आपके मोबाइल फील्ड या थोड़ा सा मशीन वर्क का काम को ध्यान में रखते हुए, इसको आपको बताता हूँ करना क्या। आपको एक मशीन लगानी है, मशीन लगाने के बाद आपके लोकल दुकानदार, जो उनसे पूछो क्या उनको कौन सा मॉडल चाहिए, वो बोलते हैं कि यार हमें स्पेशल दिल्ली जाना पड़ता है इन चीज़ों के लिए, अभी हम जब भी जाते हैं 50 हज़ार लाख रुपए का सामान हमें लेना पड़ता है। उनको बोला आपको 5 हज़ार का चाहिए ना, आपको ये 10 मॉडल चाहिए, 10 मॉडल का एक एक मॉडल का 10 गिलास चाहिए ना, मैं 10 देता हूँ। मशीन पे हर किसी मॉडल का आप वो निकाल के, ठीक है ना, उसका सारा ये जो आप ग्लास देख रहे हो, इसका जो निकाल के आप उनको हैंड ओवर कर सकते हो, और ये आपको सिर्फ और सिर्फ मात्र 5-7 रुपए का एक कॉस्ट करेगा, शायद इससे भी कम का कॉस्ट करे, जब आपके पास क्वांटिटी में ऑर्डर आने लग पड़े,
तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। यहाँ पे जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ मशीन की रहेगी, और आप इनको लोकल शॉपकीपर्स को बल्क में सेल कर सकते हो। और ये ऐसी चीज़ है जो 12 महीने 30 दिन बिकती है। और अगर आपके शहर में 100 दुकानदार है ना, और 100 में से 95 शॉपकीपर्स जो हैं टेम्पर्ड ग्लास का काम करते हैं, 5 दुकानदार नहीं करते, तो 95 के 95 शॉपकीपर्स, मैं गारंटी देता हूँ 95 के 95 शॉपकीपर्स आपके कॉन्टेक्ट में हो, क्योंकि मोस्टली वो मार्केट से खरीदते हैं या दिल्ली जैसी जगह से लेके आते हैं। तो आपके लिए ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप अगर इसका काम करना चाहो तो ये बहुत ही इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, अगर मैं आपको इस चीज़ के बारे में बोलूँ। नेक्स्ट बिजनेस आइडिया की बात करें तो जो वो है दही का बिजनेस। अभी आप सोचोगे कि यार दही में क्या कमाओगे या क्या नहीं, अभी इसको आपको बताता हूँ विस्तार से। तो वीडियो पूरा देखिए करिए, कैसे शुरू करना है, कहाँ से रॉ मटेरियल ना, बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे भी जो डिटेल्स होती है अपनी तरफ से बेस्ट शेयर करने की कोशिश करता हूँ। बाकी आप थोड़ा सा और स्टडी करके इसमें घुसना चाहो तो किसी भी बिजनेस में घुस सकते हो, कोई भी बिजनेस छोटा बड़ा नहीं होता। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो दही है वो आपको डेयरी फार्मर से लूज में लेनी है, क्वांटिटी में जब आपको मिलेगी तो वहाँ पे आपको बहुत कम प्राइस पे जो है पड़ेगी। अगर आप खुद घर से बना लेते हो और घर जैसी दही होगी तो फिर तो बात ही अलग है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपकी दही है वो डेयरी फार्मर से ले सकते हो, या आपको घर पे प्रोड्यूस करनी है। उसका एक छोटा सा काम करना है, जो आपको लूज में दही मार्केट से अपन जो गली के नुक्कड़ वाले दुकानदार छोटे छोटे पैकेट्स में आपको देते हैं 10-10 रुपए की, आप ऐसी दही 20 रुपए की सेल करो, ऐसी 30 रुपए की सेल करो, क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाएगी और चीज़ प्रीमियम हो जाएगी। और सामने वाला जब कस्टमर खरीदते हैं ना, आज की डेट में लोग बहुत हाइजीनिक हो चुके हैं, बहुत अपनी सेहत पर ध्यान रख रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, इजीली आपको मार्केट में, अगर आप मार्केट में निकल रहे हो ना कोई भी ऐसा प्रोडक्ट लेके जो आपके कस्टमर को इफेक्ट करता है कि हाँ यार ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है, तो उस चीज़ पे आपका इजीली पैसा बना सकती है। छोटी छोटी कंपनियां ऐसे नहीं बड़ी बनी, उनको पता है कि कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है। ये देख सकते हो पैकिंग, देखो क्या लिखा ऊपर, प्रीमियम नहीं, प्रीमियम में इन्होंने कौन से यहाँ पे सोने के बिस्किट डाल दिए यार, इसमें है तो दही, लेकिन जो पैकेजिंग है, जो कलर है, सामने वाला कस्टमर इसको देख के खुश हो रहा है कि हाँ यार कुछ अच्छा मिल रहा है, सिर्फ एक मन की तसल्ली है। यहाँ पे देख सकते हो मटके में, तो यहाँ पे जो आपकी इन्वेस्टमेंट है सिर्फ और सिर्फ जो आपका घर पे दही बनाओगे उसकी रहेगी। पैकिंग आपको डिफरेंट करनी, वो पैकिंग का सामान कहाँ से लेना है आपको, ये पाउचेस हो गए, ये हो गए, ये आपकी ये जो वेबसाइट है माई परफेक्ट पैक, यहाँ पे आप देख सकते हो टाइनी जार, पेपर पाउच, 3D प्रिंटिंग ग्लास जार, ये सारी चीज़ें आपको विद प्रिंटिंग, अगर आप अपनी कंपनी का कोई नाम बनाना चाहो ना तो ये चीज़ें आपको यहीं पे सारी मिल जाएगी। और ये एक और दूसरी वेबसाइट है विस्टा प्रिंट करके, यहाँ पे भी आपको ऐसी सारी चीज़ें, पर्सनल पेन, नोटबुक्स, कार्ड, यहाँ पे सारी चीज़ें अगर आप प्रिंटिंग पर्सनली करवाना चाहते हो तो ये वेबसाइट से आपको यहाँ से मिल जाएंगी। और अगर आपको बाउल्स वगैरह कुछ चाहिए या कि और स्टफिंग वगैरह चाहिए तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे बॉटल्स, यहाँ पे हर चीज़ आपको इंडिया मार्ट की वेबसाइट से मिल सकती है। सो जो माई माई परफेक्ट पैक करके वेबसाइट है, कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, पहले बता दूँ, माई परफेक्ट पैक पे आपको पैकिंग और डिज़ाइनिंग दोनों मिल जाएंगे। विस्टा प्रिंट पे आपको डिज़ाइनिंग अगर आपको करवानी है, कुछ लेबलिंग वगैरह करवानी, स्टिकर्स है तो ये देखो सारा कुछ यहाँ पे, कस्टम स्टिकर्स, विजिटिंग, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगी। ये सिर्फ एक रेफरेंस है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, तो आप जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट सिर्फ आपकी यहाँ पे 20 से 25 हज़ार रुपये की, जब आप क्वांटिटी में बनाओगे, ऐसा तो है नहीं घर पे 2 किलो दही जमाए और आज ही घर, कोई कोई घर वाले तो 1 1 किलो वैसे ही ले जाते हैं क्योंकि गर्मी है, आजकल हर कोई खाता है। यहाँ पे बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो नाम है वो आपको असली दही, ओरिजिनल दही, यहाँ पे जैसे प्रीमियम दही लिखा है ना, तो कस्टमर को लगता है कि यार क्या प्रीमियम होगा, इसमें खाने में तो सेम है, बट एक उनको माइंड के साथ उन्होंने जो गेम की खेली ना, ट्रिक खेली, तो वो यहाँ पे आपके काम आएगी। तो ये आपको जो ध्यान रखना है ना, जो नाम रखना है आपकी कंपनी का, जो भी आप नाम रखोगे, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, ओरिजिनल दही, असली दही, प्रीमियम दही, ऐसा कुछ नाम रखना, ढूंढ लेना कुछ अच्छा सा, लेकिन ऐसा कुछ अलग सा, ऐसा बिल्कुल भी लगना हो कि यार सामने वाले बंदों को ऑड सा लगे। तो दही के साथ जो कर्ड है उसके साथ थोड़ा सा टच में रहना, उस वर्ड को जरूर यूज करना। और यहाँ पे प्रॉफिट 2.5 लाख से 5 लाख रुपए, क्योंकि ये तो एक एक घर की, अगर मान लो आपकी गली में 10 घर हैं तो शायद 10 में से हर 9 घर ये चीज़ की रिक्वायरमेंट करते, कोई एक आधा घर होता है जो घर पे जमाता है, नहीं तो हर कोई मार्केट से खरीदता ही रहता है। और जो घर पे जमाते भी ना, उनके घर में भी एक दिन खत्म होगी तो वो मार्केट से खरीदते हैं। और ये 12 महीने 30 दिन 2400 घंटे सेल होने वाला प्रोडक्ट है, तो ये बेस्ट बिजनेस अगर कम इन्वेस्टमेंट बात करूँ। और इसमें ऐसा कुछ हेडेक भी नहीं है कि यार बहुत ज़्यादा सामान खरीद लिया, बहुत ऐसी इन्वेस्टमेंट कर ली, मशीन ले ली, ऐसा कुछ भी नहीं है। या आप कल को काम चला के नहीं भी करना तो कभी भी बंद कर सकते हो विदाउट एनी लॉस। नेक्स्ट बिजनेस आइडिया की बात करें थोड़ा सा और, अगर आपको इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो यहाँ पे जो आपको ग्लासेस का है, जो डिस्पोजल ग्लास है ट्रांसपेरेंट वाले, उसके ऊपर काम करना है। आप ग्लासेस के साइज देख सकते हो, छोटे बड़े, यहाँ पे सारी सारी क्वांटिटीज है। तो उसके बेस पे आपको क्या करना है, आपको एक मशीन लेनी है इंडिया मार्ट से, हर चीज़ इंडिया मार्ट पे मोस्टली अवेलेबल है, जो डिस्ट्रीब्यूटर समझ लो, डीलर समझ लो, तो वो आपको वहाँ पे
मिल जाएंगे, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। और जो सेल करने हैं प्रोडक्ट्स, वो आपको इवेंट मैनेजर्स हो गए, लोकल शॉप्स होगी, उनको सेल करना। और इसमें सिर्फ आपकी जो टोटल कॉस्ट लगेगी 80-85,000, क्योंकि आपकी जो मशीन है और सम जो प्रोडक्ट्स है, जो आपके ये शीट्स वगैरह रहेंगे गिलास बनाने के, तो उस पर आपकी कॉस्ट जो है करेगी। और आपको इस चीज़ पे और ध्यान रखना है, जब आप ये बिजनेस आइडिया शुरू करोगे, इसमें एक छोटा सा ध्यान आपको रखना है कि आपको छोटे दुकानदार जो है उनको थोड़ा सा कम ध्यान में देना है, क्योंकि छोटे दुकानदार के पास पास क्या होता है कि हमें 2 पैकेट दे दो, 4 पैकेट, मतलब 500, आपका जो बिलिंग रहेगी वहाँ पे 500-1,000 रुपये की रहेगी, ज़्यादा नहीं होती है। आपको थोड़े से बड़े दुकानदार, क्योंकि मशीन आपकी है, आपको कॉस्ट बहुत कम कर पड़ने वाली, जो लोग बाहर से खरीदते हैं या लोकल जो डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदते हैं, तो आप डिस्ट्रीब्यूटर को सीधा सेल कर सकते हो, वहाँ पे मार्जिन थोड़ा कम रहेगा, लेकिन आपको सीधा 10-20 हज़ार का ऑर्डर मिल जाएगा। और जब बड़ा ऑर्डर मिलेगा तो प्रॉफिट कम जरूर होता है परसेंटेज में, लेकिन प्रॉफिट जब 20 हज़ार का ऑर्डर मिलेगा ना, तो ऑटोमेटिकली आपका जो प्रॉफिट है बढ़ जाएगा। और दूसरा, आपको फूड रेस्टोरेंट्स जो इवेंट मैनेजर्स होते हैं उनसे बात कर सकते हो, जो शादी पैलेस वगैरह होते हैं वहाँ पे, तो आप सोच ही सकते हो कि एक शादी में कितने ग्लासेस इजीली यूज हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे तो आपको इजीली सेल, आपकी प्राइस इजीली कम कम प्राइजेस पे नहीं करना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखना। अगर मार्केट में 100 रुपये का बिक रहा है तो आप 90 में सेल करो, ऐसा नहीं कि आपको 40 का पड़ रहा है तो आप 50 में सेल कर दो, नहीं, बहुत कम मार्जिन पे, मतलब बहुत कम डिफरेंस पे आपको एक मार्केट में स्पेस बनानी, और इजीली आप सेल करके इजीली महीने का 70,000 से 1 लाख से 1.5 लाख रुपये कमा सकते हो। नेक्स्ट बिजनेस आइडिया की बात करें तो जो वो है फ्लेवर्ड चाय पत्ती का बिजनेस, ये भी बहुत आज के डेट में बूम में है, क्योंकि तो आपको पता है जैसे MBA चाय वाला हो गया, ठीक है, कुछ डिफरेंट किया उन्होंने, चाय का जो लोग लो क्या करते हैं, चाय की टपरी लगाते जैसे, ठीक है, वो होता है, तो उन्होंने कुछ डिफरेंस किया, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपने MBA चाय वाला का जो उन्होंने रेस्टोरेंट टाइप जगह बनाई है, जो प्लेस बनाई उसमें कुछ डिफरेंट रखा उसी तरह से। लेकिन आज की डेट में लोग चाय पीना पसंद करते हैं, कॉफ़ी थोड़ा गर्मी है तो कम पसंद करते हैं, ठीक है, बड़े शहरों में या कई जगह पे चल जाती है कॉफ़ी, लेकिन मोस्टली आज भी लोग जो है चाय प्रेफर करते हैं। और चाय में आज की डेट में आपको समझो लोग फ्लेवर्ड चाय का भी बहुत अच्छा धंधा कर रहे हैं, और इसमें भी अच्छे पैसे कमा रहे हैं। अपने को चाय नहीं बनाना है, 110-110 रुपये वाला कप नहीं सेल करना, अपने को सेल करनी है चाय पत्ती। तो चाय पत्ती आपको इंडिया मार्ट या लोकल से मिल जाएगी, ट्रांसपेरेंट पैक, ये चीज़ आप देख सकते हो, वन साइड ट्रांसपेरेंट, वन साइड सिल्वर पाउच, ऐसे आपको पाउच ले लेने, ये देख सकते हो यहाँ पे, जैसे आपकी चाय पत्ती यहाँ पे दिखेगी, इस साइड पे आप अपनी ब्रांडिंग करवा सकते हो। ये बहुत कम है, जैसे ये 2 रुपये पीस है, ऐसा नहीं है, ये आपको 125 रुपये किलो 2 रुपये पीस, तो ये आप जब इनको देखोगे तो आपको इजीली बड़े नंबर्स पे, जैसे ऐसे पाउच आपको 1 रुपये पीस है, तो बहुत सारी क्वांटिटी में आपको जब किलो के हिसाब से लोगे ना, तो आपको ये बहुत कम कुछ पैसों में पीस पड़ेंगे। लेबलिंग जो है, डिजाइनिंग जो है, वो आप विस्टा प्रिंट से करा सकते हो। सीलिंग मशीन 1,000-1,500 रुपये की आपको आएगी, सीलिंग मशीन जो है आपको 1,000-1,500 के आसपास की मिल जाएगी, 2,000 के आसपास की मिल जाएगी, जिससे कि आपको पैकिंग जब खुद अगर घर पे कर रहे हो ना, तो ये चीज़ें आपको जरूरत पड़ेगी सिर्फ ये सीलिंग मशीन की, ठीक है जी। आपको चाय पत्ती लेनी है, सीलिंग मशीन लेनी है, मार्जिन आपके यहाँ पे 70-80% रहेगा। और आपको क्या करना है, इसमें थोड़ी सी जैसे यहाँ पे देख सकते हो फोटो में मैंने आपकी जस्ट एक रेफरेंस के लिए लगाया, तो नीम की पत्तियाँ लगा सकते हो आप, यहाँ पे रोज पेटल्स लगा सकते, डाल सकते हो उसमें सूखे वाले, जिनसे क्या है फ्लेवर आता है। आप इसको यूट्यूब पे सर्च करो, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। आने वाले दिनों में कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा और डीपली जो है कुछ फोटोज वगैरह कलेक्ट करके आपके साथ शेयर करूँ। कई बार क्या होता है फोटोज वगैरह नहीं मिलती हैं, तो वीडियो में जो मैं अपनी तरफ से बोल सकता हूँ वो बोलने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे जो आपकी इन्वेस्टमेंट है सिर्फ 25 से 30 हज़ार रुपये की रहेगी। यहाँ पे आपको बस एक चीज़ ऐड करनी है, जब भी आप चाय पत्ती का पैकिंग आप करो, तो यहाँ पे रोज पेटल जो सूखे वाले हैं, ठीक है, वो या कोई भी ऐसी और चीज़ जो खाने लायक हो, जैसे नीम की पत्ती हो जाती है, कड़ी पत्ता हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो आपको ऐसी कुछ चीज़ ऐड करनी जिसपे फ्लेवर आए और सामने वाले कस्टमर को हो कि हाँ यार अगर चाय बनानी है तो इस भाई से ही चाय पत्ती खरीद के अपने को घर पे दोबारा चाय बनानी है। तो इस चीज़ों का ध्यान रखना, और यहाँ पे मार्जिन जो है बहुत अच्छी क्वान्टिटी में आपको मिलते हैं, इस चीज़ का भी आपको बहुत ईजिली पता लग जाएगा अगर आप ये बिजनेस शुरू करते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मेक श्योर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ऐसे ही और बिजनेस आएंगे। सो लास्ट एट लास्ट कीप स्माइलिंग, नमस्कार।